नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज अग्रवाल। आप देख रहे हैं आपका प्यारा यूट्यूब चैनल गार्डनिंग इज माई पैसन का हिंदी वर्सन। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि एडेनियम का प्लांट्स आप कैसे ग्रो कर सकते हैं। एडेनियम का प्लांट्स जो आप नर्सरी से ख़रीदते हैं, ये देखिए जो एडेनियम का प्लांट्स है मैं आपको दिखाता हूँ नज़दीक से। ये जो प्लांट्स है ये रोजी वेराइटी का है और ये देखिए यहाँ पर ग्राफ्टिंग किया हुआ है। ये देखिए इसको टैबलेट ग्राफ्टिंग कहते हैं। ये जो टैबलेट की जैसे ये लगाते हैं ये टैबलेट ग्राफ्टिंग है, ये भी टैबलेट ग्राफ्टिंग है। और एक ग्राफ्टिंग दिखाता हूँ मैं आपको, भी ग्राफ्टिंग होती है। ये देखिए भी ग्राफ्टिंग, ये देखिए ये भी की जैसी ग्राफ्टिंग की गई है यहाँ पर। ये ग्राफ्टेड जो प्लांट होते हैं ये रोजी वेराइटी के ग्राफ्टेड प्लांट होते हैं, ये भी ग्राफ्टिंग की हुई है। ये देखिए नज़दीक से ये भी की टाइप की ग्राफ्टिंग की हुई है। इस तरह का ग्राफ्टेड प्लांट आप खरीदिए। इसकी एज का अभी करीब 9 महीना होगी, क्योंकि करीब 6 महीने की एज में इसकी ग्राफ्टिंग की जाती है और करीब ये ग्राफ्टिंग करने के बाद 3 महीने की स्थिति है, तो 9 महीने की है। पहले मैं बताता हूँ आपको इसमें सॉइल मिक्स क्या चाहिए। इसमें आपको लोग अक्सर डरते हैं एडेनियम ग्रो करने के लिए, लेकिन डरने की कोई बात नहीं। ये जो एडेनियम ग्रो करते हैं नर्सरी वाले, ये धीरे कोकोपीट में है, कोकोमीट और भर्मी कॉम्पोस्ट इस तरह के जो कंपाउंड है इस तरह के मिलाते हैं। पहले क्या करिए आप, इस तरह के जो है ये आपको लॉन्ग टर्म में नहीं चाहिए। ये देखिए रूट्स हैं और आप अगर चाहते हैं तो इसमें रेडियल रूट्स बनाना, तो ये रेडियल रूट्स में भी इसमें आसानी से आप कर सकते हैं। वो भी मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा कि बहुत अच्छा रेडियल रूट्स करते हैं। ये जो है ये सीडलिंग से बनाया हुआ, ये ग्राफ्टेड पोर्शन है। यहाँ जब पौधे थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो इसका आप प्रूनिंग कर देंगे तो नए नए ब्रांचेस आ जाएंगे। आपको मैं सबसे आसान सॉइल मिक्स बताता हूँ, क्योंकि तरह तरह के सॉइल मिक्स होते हैं तो आप कोई भी तरह के सॉइल मिक्स ले सकते हैं, लेकिन सबसे आसान मैं बताता हूँ। एक हिसाब ले गार्डन का सॉइल, कोई भी मिट्टी हो, गार्डन की मिट्टी लाल मिट्टी हो, पीली मिट्टी हो, कोई भी गार्डन की मिट्टी, इसकी थोड़ी छोटी पिसाई करके छोटे चूड़ा कर लीजिए। इसको करने के बाद इसमें मिलाइए आप ये भर्मी कॉम्पोस्ट, ये एक हिस्सा मिलाइए। भर्मी कॉम्पोस्ट या काउडंग कॉम्पोस्ट है, गाय की गोबर की खाद है, ये आप 1 साल पुरानी गाय की गोबर की खाद एक हिस्से मिलाइए। और एक हिस्सा मिलाइए ये बजरी जो होती है, रेत बजरी जो चालने के बाद ऊपर जो छोटे छोटे पत्थर के कने होते हैं इस तरह के, ये देखिए मोटे मोटे जो दाने होते हैं, ये आप ले लीजिए। अगर ये आपके पास नहीं है तो आप बजरी जो होती है जो कंस्ट्रक्शन सैंड, वो भी आप ले सकते हैं एक हिस्सा। या फिर आप क्या कर सकते हैं, ईंटे के जो सुरखी होती है, ईंटे को पिसाई करके जो सुरखी निकलती है वो सकते हैं, या फिर खंगर भी आप ले सकते हैं। लेकिन आप ये मिला देंगे, ये सॉइल मिक्स में बहुत अच्छी चीज़ है कि ये ऑयल ड्रेन बनाता है। और थोड़ा सा हमारे यहाँ है धान की तूस है, ये राइस हस्क है, ये राइस हस्क भी आप ले सकते हैं। ये राइस हस्क लेके बहुत अच्छा रहता है, ये आपका बाद में डिकम्पोज हो जाता है और सबसे अच्छा होता है। तो ये आपका बहुत अच्छा सॉइल मिक्स बन जाएगा, इसको आप अच्छी तरह से मिक्स करिए। और भी आप चाहते तो बहुत सारी चीज़ें होती है वो आप मिला के सॉइल मिक्स बना सकते हैं, लेकिन ये है कि ये चीज़ें आपको सबसे आसान हर जगह मिल जाती है। और अगर आपके पास ये राइस हस्क नहीं है तो राइस हस्क छोड़ कर भी आप आसानी से बना सकते हैं। ये देखिए ये हो गया, इसमें आपको थोड़ा सा मिलाना है, कोई भी फंगीसाइड मिला दें, ये सैफ फंगीसाइड मिला सकते हैं या फिर ऑर्गेनिक फंगीसाइड अगर मिलाए तो ये इस तरह के ट्राइकोडर्मा विरिडी नाम का एक ऑर्गेनिक फंगीसाइड आता है। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, और इस तरह से आप देखिए इसमें मैं पाउडर निकाल कर दिखाता हूँ। ये आप आधा चम्मच से 1 चम्मच आप मिला लीजिए, ये करीब 2 या 3 गमले में लिए काफ़ी है। और ये छोटा पौधा है तो हम क्या करेंगे, अभी इसको 6 इंच के गमले में इसको ट्रांसप्लांट करेंगे। बाद में क्या करेंगे, इसको जब थोड़ा बड़ा हो जाएगा 6-7 महीने बाद, तब आप चाहते हैं तो इसको 8 इंच के गमले में, 10 इंच के गमले में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। लोग अक्सर कहते हैं कि सीधा साधा हम क्यों 12 इंच के 10 इंच के गमले में नहीं करते हैं, वो आपके लिए सही नहीं रहेगा। पहले मैं दिखाता हूँ इस तरह के सॉइल मिक्स बना के, पहले आप गमले में थोड़ा सा हिस्सा भर लीजिए। अब क्या करिए, अब ये क्या करते हैं, हम इसको प्लांट को यहाँ पर बिठाते हैं। इस तरह से आप देखिए ये टैग मारा हुआ है कि इसका कौन से वैरायटी, ये देखिए यहाँ पर। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसमें क्या सॉइल मिक्स आप मिलाएंगे, ये देखना ज़रूरी है। पहले मैं दिखा देता हूँ ये पहले, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। अब सेकेंड स्टेज में क्या करेंगे आप, इस तरह का भर्मी कॉम्पोस्ट लीजिए। ये 2 पौधा मैंने ऐसे सेटिंग किया है, ये देखिए हल्का सा सेटिंग किया, जस्ट यहाँ पर जस्ट लगाया ये जो हमने अभी सॉइल मिक्स बनाया इसी में। और ये भर्मी कंपोस्ट लेके, प्योर भर्मी कंपोस्ट लेके 1 मुट्ठी भर या आधा मुट्ठी भर DAP, ये डाइअमोनियम फॉस्फेट होता है, बहुत सस्ती खाद होती है, 30-40 रुपये किलो आती है। 10 रुपये का आप ले लेंगे या 5 रुपये का ले लेंगे काफ़ी होगा, इसमें ज़्यादा नहीं देना। 1 मुट्ठी भर इसको मिला के इसको थोड़ा मिक्स कर लीजिए, आपको डरने की बात नहीं है, आपका पौधा गलेगा नहीं। और ये जो है ना रूट्स की यहाँ पर जो है हमने यहाँ पर 1 लेयर ये डाल देंगे, इसको न्यूट्रिशन काफ़ी ज़्यादा चाहिए, हम 1 लेयर यहाँ पर डाल देंगे। जो हमने DAP देके ये जो भर्मी कंपोस्ट लिया इसका 1 लेयर यहाँ पर डाल देंगे, ये होगा इसको खाना मिलने के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। ये हमने बना लिया, अब क्या करेंगे, सेम सॉइल मिक्स ये जो लिया था पहले, ये सेम सॉइल मिक्स से फिर से इसको भर देंगे।
हाथों से थोड़ा प्रेशर डाल दीजिए, ये हो गया। अब जो हमने जो सॉइल मिक्स बनाया है, इसमें देखिए पहले हमने सॉइल मिक्स से पौधे को लगाया, उसके बाद ये जो है फर्टिलाइज़र वर्मी कंपोस्ट उसके साथ डीएपी मिला के दिया है, एक लेयर बनाया, उसके बाद फिर से सेम सॉइल मिक्स मिला के इसको कवर कर दिया है। अब क्या करना है, इसको पानी डाल देना है और ध्यान देना है एक दिन बाद बाद आपको हर दिन पानी देना है। ये देखिए कितना फास्ट सॉइल मिक्स है, साथ साथ नीचे से पानी निकल रहा है। ये जो पानी है ये इंस्टेंट निकलना चाहिए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए कैसे कितनी जल्दी तेज़ी से पानी गमले के बाहर आ रहा है, ये देखिए कितनी जल्दी सारे पानी बाहर आ रहा है इंस्टेंट। ये पानी एक मिनट भी रुकना नहीं चाहिए, ये देखिए कितनी तेज़ी से पानी ये बह के निकल रहा है। तो ये रह गया पूरा तरीका और इस तरह से रहिए, और एक महीना में देखिए यहाँ से सारी पूरी कलियाँ आएगी और फूल खिलने लगेंगे, और दो तीन महीने बाद एक बार आप प्रूनिंग कर देंगे इसको तो वहाँ से नए नए बहुत सारे ब्रांचेस आएंगे। और बीच बीच में इस पर थोड़ी सी कंपोस्ट देते रहिए, थोड़ी सी डीएपी देते रहिए, अगर आप चाहते हैं तो थोड़ा एनपीके 20-20-20 स्प्रे भी कर सकते हैं, और देखिए भरा रहेगा फूल सालों साल। तो ये रहा पूरा तरीका, उम्मीद है आपको ये पॉटिंग करने का तरीका आपको पसंद आया। पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। गार्डनिंग इज माय पैशन हिंदी भाषा में नया है तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह के वीडियो मैं लाता रहता हूँ आपको इस चैनल में आने के लिए। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।